जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेर न्यू, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो SSC GD अभी जो भर्ती चल रही है इसमें पेपर में फेल हो गए हैं या रह गए हैं कम नंबरों से ही, और आज उनकी एज ओवर एज हो गई अगली भर्ती के लिए। तो इसीलिए काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर अगली वैकेंसी में आयु सीमा में जिसे इस प्रकार छूट मिली थी 3 साल की, क्या अगली में भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है न्यूज़पेपर कटिंग, इसमें अगर आप देखोगे कि अगली के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो देखो लाडलो, 18 वर्ष निर्धारित की गई है न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गई है अधिकतम आयु सीमा। यानी अगली जो SSC GD की वैकेंसी आ रही है लाडलो 1,30,000 पदों पर, उसमें आयु सीमा में कोई भी छूट की बात नहीं हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आयु सीमा में छूट हो तो आपको क्या करना होगा, आपको आज से आवाज उठानी पड़ेगी ताकि आयु सीमा में अगली बार भी एक मौका और मिलना चाहिए उन विद्यार्थियों के लिए जो SSC GD की केवल एक ही भर्ती देख पाए, पिछली भर्ती नहीं देख पाए, या किसी भी कारणवश इस भर्ती में पेपर पास नहीं कर पाए। तो आपको आज से ही आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये जो न्यूज में अभी जो जारी हुआ है इसके अनुसार आपको आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ये वैकेंसी पिछली बार की तरह नहीं, उससे पिछली बार की तरह होगी, 18 से 23 वर्ष ही रहेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु सीमा में छूट हो तो आपको अभी से आवाज उठानी चाहिए कि अगली भर्ती जो SSC GD की 1,30,000 पदों की आ रही, इसमें भी आपको एक मौका मिलना चाहिए, एक बार और इसकी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए ताकि ये उन बच्चों के साथ में अन्याय ना हो सके जो बच्चे एक ही भर्ती देख पाए, ठीक है लाडलो। बाकी इसके अनुसार 18 से 23 वर्ष यहां पर भी लिखा हुआ, देखिए 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये इस प्रेस नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, जो पोर्टल पे आ रखा है PIB में उसमें भी और इसमें भी। ये ऑफिशियल अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट CRPF.gov.in पर भी जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।